सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। आज हम लोग आए हैं नाला सोपारा हमारे एक भाई के फार्म को कवर करने, तो आइए हम लोग भाई से मुलाकात करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई जान खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जान पहले तो लोगों को आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम समीर खान है जी। मैं आयत गोट फार्म का ओनर हूँ जी। जो कि नाला सोपारा में हमने यहाँ पर एक स्मॉल सेटअप डाला है और कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ क्वालिटी बकरे रखें यहाँ पे। ओके, सो समीर भाई अपन आपके पहले एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करेंगे, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ यूजुअली कि काफ़ी सारे माशाल्लाह फार्म्स आए हुए हैं, है ना। सो एंड आपने मुझे आपका स्टोरी बताया कि ऐसा मैंने शुरुआत किया हूँ, तो मैं चाहूँगा आप लोगों को भी बताएं आपका पास्ट एक्सपीरियंस कि आपने कहाँ से और कैसे स्टार्ट किए। भाई मेरा पास्ट एक्सपीरियंस तो लास्ट 5-6 साल से है जी, जो कि और पहले भी था। घर पे छोटे मोटे बकरे हम पाला करते थे जी, लेकिन जैसे दोस्त के घर पे हो गया, इधर हो गया, फिर फार्म पे तो 5-6 साल से हो रहा है। और 5-6 साल करने के बाद फार्म पे ये हमने अभी अपना खुद का सेटअप रखा है छोटा सा। हमारे बकरे हमने बकरे पाले हैं जी माशाल्लाह। फिर उसके बाद भोपाल में भी बकरे हमारे पास है, अज्जू गोट फार्म, अज्जू भाई के पास। अज्जू भाई के पास? हाँ, जानते होंगे। अभी भी है उनके पास एक बकरा मेरा माशाल्लाह, जो कि मैं उनको अभी जस्ट हमारी बात चल रही है कि आप इतना अच्छा, अज्जू भाई खुद ही बोल रहे हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो आप इसको अपने पास क्यों नहीं रखते हो। बोला अज्जू भाई तुम्हारे पास सेट है तो रखो यार कुछ नहीं जी। तो अभी देखते हैं वो बकरा भी मंगाना है नहीं मंगाना है, डिसीजन अभी पेंडिंग है। ओके, फिलहाल अज्जू भाई के पास भी एक बकरा है और बाकी सब जगह से बकरे। मेमन गोट फार्म पे भी मेरे काफी बकरे थे, वसई वाले में, वसई वाले मेमन गोट फार्म पे। ओके, नुमेर भाई के पास, उमेर भाई के पास, अरफात भाई, नुमेर भाई जी, वहाँ पर भी मेरे अच्छे खासे बकरे थे। कम से कम एक फार्म पे नहीं भी बोले तो 15-20 बकरे मेरे एक टाइम पे पलते थे माशाल्लाह। तो लेकिन फिर अभी ये हमने एक ये आयत गोट फार्म हमारा खुद का सेटअप डाल दिया है जी, ताकि खुद ही मेहनत करेंगे, खुद ही पालेंगे, शौक अपना कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को। हाँ, वो क्या मैं संडे संडे फार्म पे विजिट करता था, बट अभी हम यहाँ तो मैं डेली आता हूँ। डेली? ओके, तो माशाल्लाह मतलब आपने काफ़ी एक्सपीरियंस लेकर काफ़ी लोगों जगह पर बकरे रख कर आपने तजुर्बा लेकर आपने आपका एक स्टार्टअप किया है। हाँ, तो अभी आपको कितना टाइम हो गया ये स्टार्टअप करके? ये स्टार्टअप करके हमें हो गया एक 5-6 महीना हो गया है मुझे। 5-6 महीना हो गया। 5-6 महीने के बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट है जी, हमने मतलब खुद से ये रखा है तो जी। सेटिस्फेक्टरी रिजल्ट। आपका सेटअप और पलाई भी हम लोग दिखाई है, बट माशाल्लाह आपने जो अभी ये शो क्वालिटी बकरे आपने जो रखे हो यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी मेंटेन्ड बकरे हैं। ये भी ये बकरा मैं बताऊंगा, ये अज्जू भाई से हमने बकरा लिए थे ये वाला जी। काफ़ी मतलब पहले कैसा था और अभी कैसा था, इसकी दोनों वीडियो है मेरे पास जी। अभी तो आप लाइव इसको देख सकते हो। हाँ, ओके, तो अभी ये सब जो है ये जो भी रहेगा फॉर सेल रहेगा, जो भी रहेगा हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, है ना समीर भाई? नहीं इंशाल्लाह जो फॉर सेल रहेगा मैं बता दूंगा, ये फॉर सेल है जी, ये 2 साल के लिए पालेंगे, ये 3 साल, ये शौक कर रहा हूँ भाई, कोई एकदम मेरे को इससे मेरा बिजनेस नहीं है ये। ओके, तो समीर भाई अपना फार्म या लोकेशन क्या है यहाँ का? ये लोकेशन नाला सोपारा वेस्ट है। हाँ, और सोपारा गाँव है, सोपारा गाँव यहाँ से थोड़ी दूर के 500 मीटर की दूरी पे। ये आप मोहम्मदिया मस्जिद यहाँ पर फेमस है। ओके, मस्जिद सामने है जी। तो आप कोई भी बोलेंगे टाकीपाड़ा अकबर राइस मिल ना, तो आप आ सकते हो आसानी से। अकबर राइस स्टेशन से अगर ऑटो पकड़ोगे तो 10 रुपया लेगा। ओके, सो अभी ये तो सिर्फ समीर भाई का एक इंट्रो वीडियो था जहाँ ये कुछ बकरे समीर भाई ने बाहर निकाले थे और भी उनका सेटअप भी हम लोग अंदर से कवर करेंगे। सो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियो एंड जज़ाकअल्लाह खैर समीर भाई, जज़ाकअल्लाह एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल।